सभी सुनने वालों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमने बनाए हैं बकरे के पाए। ये मैंने नहीं बनाए, ये बनाए हैं मेरी मम्मा ने, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी के साथ। यकीन करिए, इतने ज़बरदस्त शानदार जायकेदार बने हैं कि जब आप लोग ये रेसिपी मेरी फॉलो करेंगे तो यकीन करिए उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो फिर जल्दी से चलिए रेसिपी को फॉलो करिए। जी ये देखें, ये यखनी है, मम्मा पहले ही चढ़ा चुकी थी, हमारे आ गए थे गेस्ट, वरना मैं आप लोग को दिखाती ज़रूर, मैं लग गई थी गेस्ट में। तो मम्मा ने देखे, मैं आप लोग को बताती थी, मम्मा ने सबसे पहले पाए लिए, उसको मम्मा ने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मम्मा ने इस पाए को उबालने के लिए रखा, और एक उबाल आया, मम्मा ने इसका पानी जो था वो मम्मा ने कर दिया था वेस्ट, ठीक है। और अब मम्मा ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करी, तो हम चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से पूछते हैं। जी मम्मा बताइए, आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करी। जी बेटा, फिर मैंने इसके अंदर जो है काली मिर्चें डाली थी 8 से 10, और लौंगे डाली थी 7-8, और बड़ी इलायची डाली थी मैंने 3 डाली थी, 4 मैंने स्लाइस प्याज डाल दी थी मीडियम साइज़ की, और फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था 1 टेबल स्पून भर के डाला था, और फिर मैंने पतीले में भर के मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि इसके अंदर बोंगसा कोश भी था, और 8 इसके अंदर जो थे ना वो बकरे के पाए थे। तो इस तरह के ये पूरा जब इस मैंने जब इसको पानी डाल के फिर इसको हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। सही है, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे, और जब तक ये पकते हैं तो हम करते हैं वेट, और आप भी वेट करिए, उसके बाद हम दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। जी देखिए, ये पानी जो है ये खुशक हो चुका है, यानी कि अभी भी इसमें 1.5 गिलास पानी रह गया है। अब मम्मा ने इसके अंदर डाला है सॉल्ट, वो आपने डाला है अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। मम्मा ने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि शुरू में सॉल्ट नहीं डालना है। तो फिर आप लोग को बताती हैं मम्मा आगे और के क्या करना है। मम्मा ने इसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड करी है। जी देखिए, मम्मा ने पाए यखनी में से निकाल लिया, अलग कर लिए मम्मा ने, और मम्मा ने अब ले लिया टमाटर 5 अदद मीडियम साइज़ के, और मम्मा ने इसको क्यूब्स की शेप में काट लिया। अब मम्मा ले रही हैं फ्राई पैन, और इसमें डालनी है मम्मा ने ऑयल लेना है थोड़ा कम, क्योंकि हमने पाए में उसमें भी थोड़ी सी चिकनाई डाली थी, ठीक है। अब ये करेंगे हम ऑयल को थोड़ा सा गरम, और जब ये गरम हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को हमें पेस्ट बनाना है, उसको हमें इस तरह से नहीं छोड़ना है कि टमाटर खड़े खड़े रह जाएं। अब मम्मा डालनी है इसके अंदर कड़ी पत्ते, और ये कड़ी पत्ते हैं कम से कम 7 से 8 अदद। तो मम्मा ने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं कड़ी पत्ता, और अब मम्मा डालेंगे इसके अंदर टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मम्मा ने ऐड कर दिए इसके अंदर टमाटर भी, और अब टमाटर का करेंगी मम्मा पेस्ट, और फिर मैं दिखाती हूँ आगे हम क्या करना है। जी देखें, टमाटर में अब मम्मा ऐड करेंगी मसाले। मम्मा ने डाल दी हैं रेड चिली पाउडर जो है 1.5 टेबल स्पून मम्मा ने डाले हैं, क्योंकि पाए फीके अच्छे नहीं लगते। पिसा हुआ धनिया मम्मा ने लिया है 1/2 टीस्पून, और अब मम्मा डालेंगी इसके अंदर हल्दी, ठीक है 1/2 टीस्पून, ये मम्मा ने हल्दी डाल दी है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, यकीन करें। पिसा हुआ गरम मसाला या 1/2 टीस्पून, रेसिपी आप लोग नोट करते रहें साथ साथ जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। अब मम्मा इसका पेस्ट बनाएंगी, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो मम्मा देखिए कितने अच्छे से स्पून चला रही हैं, और मसाले सारे भून रही हैं, ठीक है। मसाले जब तक भूनते हैं फिर हम दिखाते हैं आगे क्या करना है। जी देखिए, अच्छे से मसाला भून चुका है, मम्मा ने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है। क्या ही ज़बरदस्त सी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और अब मम्मा इसके अंदर डाल रही हैं ग्रीन चिली 2 अदद, ये मम्मा ने डाल दी है, और मम्मा इसको भी अच्छे से चम्मच से चला रही हैं। ये जो मम्मा ने ग्रेवी बनाई है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और अब मम्मा इसको ऐड करेंगी पाए में, तो अब आप लोग देखिएगा ये किस तरह से ऐड होंगी। ये देखें, यखनी जो है ये मम्मा ने इसके मसाले के अंदर ऐड कर दी है। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको लाजमी देखिएगा, आखिरी तक देखें। ये देखें, हमने यखनी इस तरह से लेके इसमें मसाले में ऐड करनी, ये थोड़ी सी मम्मा ने यखनी पतीली में ही छोड़ दी है। अब मम्मा क्या करेंगी, जो पाए हमने अलग से निकाले थे वो मम्मा ने यखनी में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये देख लें, ये ऐड हो चुके हैं, और अब मम्मा जो आगे करने वाली हैं वो भी देखेगा कि मम्मा ने किस तरह से आगे इसमें मसाले ऐड करेंगी, क्या है वो आगे चल के पता चलेगा। ये देखें, मम्मा चम्मच से, मम्मा ने पहले अच्छे से इसको यखनी में और मिक्स कर लिया है पाए को। अब जो हमने अलग से यखनी, ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी यखनी के साथ, वो देखें हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। हम सारी यखनी डाल देंगे इसके अंदर, और फिर हम इसके बाद लगाएंगे इसमें तड़का।
ये देखें सारी मम्मा ने डाल दी है इसके अंदर। अच्छा वहाँ जो हमने उसको उसके अंदर जो हमने मसाले ऐड करे थे उसको हमने 5 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया था, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब हम लगा रहे हैं तड़का, तो जिसमें हमने ली है छोटी अदद प्याज यानी कि मीडियम साइज़ की, ठीक है। ये हमने कर ली है इसको स्लाइस बारीक और हम इसको करेंगे लाइट गोल्डन। और अच्छा मैं आपको बता दूँ प्याज का कलर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल में पहले ही नगेट्स फ्राई करे थे, तो मेरा ऑयल बचा हुआ तो इसी में मैं तड़का लगा लेती हूँ। जी अब देखिए हम लोग ने इस पे तड़का लगा रहे हैं, और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्च ऐड कर लिएगा, ये आप लोगों पे छोड़ा हमने, तो हम लोग के नॉर्मल खाई जाती है तो इसलिए मैंने नॉर्मल ही मिर्चें इसमें ऐड करी हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ज़ीरा भुना हुआ, उसको मम्मा ने कूट लिया है और कूटने के बाद अभी ऊपर से मम्मा ने इस पे छिड़क दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बने। अब करते हैं इसको डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या ही बनके ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं, क्या ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कितने झटपट से यूँ रेडी हो गया है ये पाए, वरना तो कितनी देर लगती है पाए बनने में। तो हमारी मम्मा की रेसिपी थी, तो लाजमी इसको फॉलो करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक भी करिएगा, अगर नए देखने वाले हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को मेरा नोटिफिकेशन आराम से आप लोग को मिल जाए। तो फिर जल्दी से किरण को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।